हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए एंड बहुत अच्छे से आपने एक बार अपनी रिवीजन एटलीस्ट खत्म कर चुके हो गए एंड सेकंड रिवीजन मैं उम्मीद करता हूँ स्टार्ट कर चुके हो गए। चलिए जी, अब कल आपका फर्स्ट एग्जाम है, ठीक है। अकाउंट्स का कल एग्जाम है आपका। अकाउंट्स का एग्जाम आपको पता थोड़ा सा लेंदी आता है, ठीक है। और फर्स्ट एग्जाम को लेकर कुछ बच्चे कभी पैनिक होते हैं, प्रेशर फील करते हैं, ठीक है। तो कुछ कभी कभी उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम से पहले भी, एग्जाम के अंदर भी, एग्जाम के बाद भी। तीन लेवल पे ये बातें करूंगा मैं आपसे। नंबर वन, सबसे पहले एग्जाम सेंटर में जाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, आपका रोल नंबर आपको कैरी करना है, गलती से भूल मत जाना। आपको सारी अपनी स्टेशनरी, आपके कैलकुलेटर्स, आपको सब कैरी करना है बेटा, ठीक है। उसके लिए बहुत मेक श्योर घर से निकलने से पहले सब चीजें होनी चाहिए, कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैं बोलूंगा आपके लिए वो क्या, कि एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले आप फर्स्ट पेपर आप पहुंच जाना वहां पे, ताकि कोई पैनिक ना हो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। चलिए जी, ये सब बातें मैंने बता दी। एग्जाम सेंटर का जब आप हो गए तो वहां पे जब रोल नंबर अपने आप लिख रहे होगे तो रोल नंबर आप बड़े केयरफुली लिखना, ठीक है। और हो सके तो जो रोल नंबर है आपका, ठीक है, उसको दो बार चेक करना जी, ठीक है जी। ये तो पॉइंट्स हो गए नॉर्मल पॉइंट्स। अब आते एग्जाम के अंदर, जब पेपर आप स्टार्ट कर दोगे आपके एग्जाम के अंदर, आपको जो गेम चेंजर रहेंगे वो आपके एमसीक्यूज रहेंगे। जितने अच्छे से आप एमसीक्यूज करोगे, ठीक है, उतना आपके चांसेस हाई है कि आपका हाई स्कोर हो जाएगा। तो एमसीक्यू पे बहुत केयरफुली वर्कआउट करना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप नॉर्मल क्वेश्चंस पे आओगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आओगे, तो वहां पे आपको क्या ध्यान रखना, जाते ही पहले 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। कभी कभी वो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कोशिश करना पहले 5 मार्क्स या 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना, बहुत ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ। एक बार फर्स्ट 1 आवर विल बी अ क्रूशियल आवर। वो पहला 1 घंटा ना बहुत गेम चेंजर रहेगा। वो 1 घंटे में आपके 35-40 मार्क्स के क्वेश्चन अगर ठीक हो गए, ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाएगा और आप एकदम कूल फील करना स्टार्ट कर दोगे। अदरवाइज वो पहला घंटा अगर आपका ठीक नहीं गया तो वो आपको फर्स्ट आर आपको हो सकता है बहुत भारी पड़ जाए आपके ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर वो 1 आर को ढंग से यूटिलाइज करना है, स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइज करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। वहां पे आपको कूल मेंटेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बोलूंगा आपसे क्या, ठीक है जी, आपको कोशिश करना है फर्स्ट 1 आवर में 35-40 मिनट्स 35-40 मार्क्स का पेपर हो जाना चाहिए बेटा आपका, ठीक है। और जो 14 मार्क्स से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आएंगे, मुझे लगता है वो लास्ट में अटेम्प्ट करना, कंसोलिडेशन अमलगमेशन। लास्ट में का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट मतलब आपके आपका 1 घंटा 2 घंटा खत्म हो चुके हैं, उसके बाद जब आप अच्छा फील कर रहे हो कि आपको कॉन्फिडेंस है तब तो स्टार्ट करना उसको, ठीक है जी। ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना कि मैंने इतने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। पेपर अगर ईजी आएगा, ठीक है, वो सबके लिए ईजी होगा, ठीक है। अगर वो टफ आएगा, सबके लिए टफ आएगा। बस आपको वहाँ बैलेंस मेंटेन करना है, अपने माइंड को कूल रखना है, काम रखना है। ना एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ना आपको ज्यादा ओवर प्रेशर होना चाहिए। आपको बैलेंस मेंटेन करना वहाँ पे आना चाहिए, कि बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है एग्जाम्स के अंदर। आपको कितना आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे उस एटीट्यूड के साथ पेपर को अटेम्प्ट करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। 80 मार्क्स का भी अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तब भी आपके 70-60 मार्क्स आ सकते हैं। आपने 100 का अटेम्प्ट करा, वो ठीक से नहीं करा, वो बेकार है बेटा आपके लिए, ठीक है जी। जैसे ही आपका पेपर सॉल्व हो जाए, मतलब जैसे पेपर आपका खत्म हो जाए, उसके बाद इमीडिएट बेसिस पर पेपर को डालो बैग में, ठीक है। आप जाओ अपने घर, आपको किसी फ्रेंड से मिलने की जरूरत नहीं है, कुछ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोलूंगा, जब तक पूरे बोध ग्रुप या आपका सिंगल ग्रुप खत्म नहीं होता, उस पेपर के ऊपर कोई भी चर्चा मत करना, एक बैड इम्पैक्ट जा सकता है। कोई भी ऐसा दोस्त जो आपका ऐसा है कि मिलके बाहर आपको एक्साइटमेंट में कुछ भी बोल रहा है, इसका ये आंसर है, वो आंसर होना चाहिए, आप उसकी बात बिल्कुल मत सुनो। ऐसे दोस्तों को तो अवॉइड ही करना आप बेटा, ठीक है जी। तो कोशिश करना ज्यादा डिस्कशन ना होना एग्जाम से पहले ना एग्जाम के बाद, वो एक पैनिक क्रिएट कर सकता है, ठीक है जी। ये सारी बेसिक बातें मैंने आपसे शेयर करनी थी बेटा, ठीक है। मेक श्योर, ठीक है, आप सब अच्छे से वर्कआउट करो। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और अपने पेरेंट्स का भी अच्छे से ब्लेसिंग्स लेके जाना बेटा। थैंक यू वेरी मच।